नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप पढ़ेंगे ईवीएस वर्ग पांच का पहला पाठ है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। पहला प्रश्न है चींटी एक लाइन में क्यों चलती है? आपका उत्तर है गंध के कारण। दूसरा क्वेश्चन दूसरा है कौन सा कीड़ा अपने मादा कीड़ा को कई किलोमीटर से पहचान लेती है? इसका उत्तर है रेशम का कीड़ा। तीसरा है मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानती है? उत्तर है गंध तथा शरीर के गर्मी से। चौथा प्रश्न है कुत्ते अन्य कुत्ते का पहचान कैसे करता है? उत्तर है मल मूत्र से। पांचवा क्वेश्चन है मनुष्य से कई गुना तेज देखने की क्षमता किस पक्षी में होती है? उत्तर है चील बाज और चमगादड़ में होती है। स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह एक दिन में 17 घंटा सोता है। यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और उसी पेड़ का पत्ता खाता है। यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है। दूसरा है बाघ के बारे में कुछ। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। मनुष्य से 6 गुना तेज देखने की क्षमता होती है। बाघ अपने मूंछ के सहारे रात में अपना शिकार को ढूंढता है। इसका मूंछ बहुत संवेदनशील होता है। बाघ पत्ता का आवाज और किसी जानवर का आवाज में अंतर बहुत आसानी से कर लेता है। यानी जब जंगल में बाघ रहता है तो जो पेड़ का जो पत्ता का आवाज अपने से होता है और कोई जानवर के द्वारा पत्ता में जो हरकत होता है वह हरकत को बाघ आसानी से पहचान लेता है। बाघ का कान चारों दिशा में घूमता है। यानी वो अपने कान को इधर से उधर दाएं बाएं और ऊपर नीचे चारों दिशा में घुमा के वह चारों ओर का साउंड को वह कैच करता है जिसमें सभी ओर का आवाज सुन सकता है। बाघ का धार 3 किलोमीटर से भी सुना जा सकता है। अगला पाठ है आपका कहानी सपेरों की। प्रश्न है भारत में सांप कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 4 प्रकार का सांप होता है नाग करेत दुबैया अफाई। ये अफाई जो होता है यह रेगिस्तान में पाया जाता है और ये इसका जो रंग होता है यह भूरा रंग का होता है जिसके कारण से वह जमीन में जब लेट जाता है वह तो वह पता नहीं चलता है कि यह सांप है या है। इसलिए यह अपना शिकार का वह बड़ा आसानी से पकड़ लेता है। इसका जो जहर धीरे धीरे शरीर में फैलता है। अगला क्वेश्चन है सांप के कितने दांत होते हैं? तो सांप के 2 दांत होते हैं और वह दांत इस प्रकार का होता है। ये पाइप नुमा होता है। ये मनुष्य के शरीर में जब अंदर चुभो देता है और इसके सहारे जहर को छोड़ देता है। सांप के जहर से बचने के लिए कौन सा दवा का उपयोग करते हैं? तो आपका उत्तर है सीरम जो सांप के जहर से ही बनता है। अगला प्रश्न है नाग गुम्फन क्या है? यह एक प्रकार का डिजाइन रंगोली है। आगे पाठ की ओर चलते हैं। चखने से पचने तक मानव पेट का तापमान क्या है? तो मानव पेट का जो तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है कालाहांडी उड़ीसा में होता है। आत्रेयपुरम गांव कहाँ है? आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है
और वहाँ वह गांव जो है मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। उस गांव में जाने से पहले 2-4 किलोमीटर दूर से ही शुद्ध देसी घी का गंध आने लगता है, इसलिए यह गांव मिठाई के लिए प्रसिद्ध। अगला पाठ है आपका खाएं आम 12 महीने। प्रश्न है कांच के बर्तन में भरने से पहले आम को धूप में क्यों सुखाया जाता है? उत्तर है आम में उपस्थित नमी को दूर करने के लिए सुखाया जाता है। अगला पाठ है बीज बीज बीज। कीड़ा को खाने वाला पौधा का नाम क्या है? तो जो इसका उत्तर है नेपेंथिस। भारत में कहां पाया जाता है? यह मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस पौधा की ओर आकर्षित क्यों होता है? जो कीड़ा नेपेंथिस पौधा की ओर जो जाता है उसके बाद वो खा पाता है, क्यों जाता है? तो उत्तर है आपका सुगंध के कारण से वह जाता है। वेलको क्या है? उत्तर है जूता चप्पल आदि सामान को चिपकाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है या गम है जो उसमें चप्पल जूते के सोल को चिपकाया जाता है। वेल्को का खोज कौन किया था, खोजकर्ता का नाम? उत्तर है जॉर्ज मैस्टल 1948। साउथ अमेरिका से भारत कौन कौन सा बीज लाया गया है? उत्तर है हरी मिर्च आलू टमाटर मूंगफली अमरूद। यह भारत लाया गया है अमेरिका से। सातवां प्रश्न है बंधा गोभी व टमाटर कहां से लाया गया है? उत्तर है यूरोप से लाया गया है। भिंडी कॉफी बीन्स कहां से लाया है? उत्तर है अफ्रीका से। सोयाबीन कहां से लाया गया है? चीन से। अब अगला पाठ की ओर चलते हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया घर सिसर क्या है? उत्तर है आपका 9 तालाबों का समूह। यह कहां है? तो आपका उत्तर है जैसलमेर में है। तीसरा है वर्षा से झीलें भरने का खुशी कौन सा राज्य मनाता है? तो उत्तर है आपका उत्तराखंड। चौथा प्रश्न है अलबरूनी कौन था? यह एक मुसाफिर था जो उज्बेकिस्तान से आया था। डाक टिकट नामक किताब का लेखक कौन है? यह अलबरूनी।